नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत से आज बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, जिसका औपचारिक ऐलान आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। यह मुलाकात लगभग 2 घंटे चली और इस मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने एक फोटो ट्वीट की अखिलेश यादव के साथ। जयंत चौधरी ने ट्विटर पे लिखा, बढ़ते कदम, साथ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की फोटो थी। इससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होने जा रहा है। जयंत चौधरी की इस ट्वीट के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया कि श्री जयंत चौधरी के साथ मुलाकात और बदलाव की यह तस्वीर है। यानी जिस तरह से अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं कि 22 में बदलाव होगा, उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए बदलाव की लाइन लिख रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर कुछ पेच फंस रहा है, लेकिन आज जी न्यूज के पास जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चल रहा है कि लगभग 25 से 30 विधानसभा सीटों पर यह गठबंधन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी 25 से 30 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन के तहत दे सकती है और ये सीटें अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही हैं, क्योंकि इन सीटों पर जो 25 से 30 सीटें सपा आरएलडी को देगी, इसमें एक सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला भी तय किया गया है, जिसमें कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 25 से 30 सीटों के बीच में ये पूरा समझौता हुआ है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव ने यह गठबंधन करने का फैसला किया है, जिसका औपचारिक ऐलान वो कुछ दिनों में करने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 जिले हैं जो कि जाट बाहुल्य माने जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर का थोड़ा हिस्सा, इसके साथ ही साथ गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जाट मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं और 29 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की हैं जहां पर जाट मतदाता 50,000 से 1.5 लाख के बीच में बताए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद अखिलेश यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ साथ ओबीसी और जाट मतदाताओं को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया, राजपाल सैनी को सपा में शामिल कराया, जाट नेताओं को सपा में शामिल कराया और अब जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन फाइनल बताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को पूरी तरह से दुरुस्त करने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। यही कारण है कि पूर्वी यूपी में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन फाइनल कर चुके हैं। 25 से 30 सीटों के साथ जयंत चौधरी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक विधानसभा सीट ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन था, उस दौरान भी मुजफ्फरनगर और बागपत जैसी लोकसभा सीट आरएलडी हार गई थी। जयंत चौधरी खुद चुनाव हार गए थे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जाट मतदाता जयंत चौधरी के पास फिर से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो उसमें जाट मतदाता कहीं न कहीं आरएलडी से भागता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक की सिंपैथी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है और किसान आंदोलन जयंत चौधरी के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि पश्चिमी यूपी में सपा और आरएलडी का यह गठबंधन का औपचारिक ऐलान कब होता है और इसका कितना असर जमीन पर दिखाई देता है, लेकिन जातिगत हिसाब से यह गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है।